यात्रा को ख़त्म करने के बाद प्रधानमंत्री कतर पहुंचे। वहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान से मुलाकात की है प्रधानमंत्री ने, और ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। कतर की यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री की। इससे पहले यूएई की काफ़ी सफल यात्रा करके प्रधानमंत्री कतर पहुंचे हुए हैं इस वक्त, और कतर में प्रधानमंत्री ने वहाँ के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी से वहाँ पर मुलाकात की है प्रधानमंत्री ने। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, और दोनों नेताओं के बीच में वहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बातचीत भी हुई है। कतर के प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है, और कतर का दौरा प्रधानमंत्री के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कतर में भारत को बड़ी कूटनीतिक जीत अभी कुछ ही दिन पहले मिली थी, जब भारत के पूर्व नौसैनिक जो कतर में जेल में बंद थे उनको कतर ने मुक्त कर दिया और वो स्वदेश वापस आ गए। और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर के जो निजी संबंध हैं वो काफ़ी काम आए, और उसके बाद अब यूएई की अपनी यात्रा ख़त्म करने के बाद प्रधानमंत्री कतर पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने वहां पर कतर के प्रधानमंत्री से वहां पर मुलाकात की है। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, और प्रधानमंत्री की कतर के प्रधानमंत्री के साथ वहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बातचीत भी हुई है। तो पीएम मोदी का पश्चिम एशिया दौरा, और उस दौरे के तहत प्रधानमंत्री अपनी यूएई की यात्रा ख़त्म करने के बाद अब कतर पहुंचे हुए हैं, और कतर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने कतर के प्रधानमंत्री से वहां पर मुलाकात की है, और इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच में वहां पर बातचीत हुई है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान से प्रधानमंत्री की ये मुलाकात काफ़ी महत्वपूर्ण ये मुलाकात है, और उसके बाद कल दिन में प्रधानमंत्री कतर के अमीर शेख तमीम से मुलाकात करेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का कतर दौरा शुरू हो चुका है, जहां कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री कतर पहुंचे और उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री से वहां पर मुलाकात की है। तो यूएई की अपनी यात्रा ख़त्म करने के बाद प्रधानमंत्री इस वक्त कतर पहुंचे हुए हैं, और कतर में उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान से मुलाकात की है। ये मुलाकात के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण ये मुलाकात है। दोनों नेताओं के बीच में कई महत्वपूर्ण विषयों पर वहाँ पर बातचीत हुई है। तो यूएई के अपने महत्वपूर्ण दौरे के बाद प्रधानमंत्री कतर पहुंचे, और प्रधानमंत्री ने कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान से वहां पर मुलाकात की। तो ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान से प्रधानमंत्री की मुलाकात और बातचीत, और कतर पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री अपनी यूएई की यात्रा ख़त्म कर कतर इस वक्त पहुंचे हुए हैं। और कतर पहुंचते ही प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण बातचीत और मुलाकातों का सिलसिला वहां पर शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री की कतर के प्रधानमंत्री
शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान से मुलाकात हुई है। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण विषयों पर दोनों नेताओं के बीच में वहाँ पर बातचीत भी हुई है। और दोहा में 8 लाख भारतीय समुदाय वहाँ पर रहते हैं और इसको देखते हुए भी ये सब मुलाकातें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय वहाँ पर रहता है। और प्रधानमंत्री इस वक्त कतर पहुँचे हुए हैं और कुछ ही देर पहले उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री से वहाँ पर मुलाकात की है। कई विषयों पर दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई है। तो अपनी यूएई की यात्रा ख़त्म कर प्रधानमंत्री अब कतर पहुंच गए हैं और ये जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी से प्रधानमंत्री की वहां पर मुलाकात हो रही है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये मुलाकात कही जा सकती है। दोनों नेताओं के बीच में कई महत्वपूर्ण विषयों पर वहाँ पर बातचीत भी हुई है। और कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा जब कतर के अमीर से प्रधानमंत्री की वहाँ पर मुलाकात होगी। यूएई की अपनी सफल यात्रा को ख़त्म करने के बाद प्रधानमंत्री अब कतर पहुँच गए हैं और ये जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान से प्रधानमंत्री की मुलाकात के हैं। दोनों नेताओं के बीच में कई महत्वपूर्ण विषयों पर वहाँ पर बातचीत हुई है।